बेगम साहब, हमारे पास ठिकाना नहीं है, कोई रहने को जगह ही नहीं है कोई। आप हमें रहने को जगह दे दो बेगम साहब, हम सब काम करेगा, बहुत ख्याल रखेगा अपनी बेगम साहब का। तुम बोले हमारा घर है कोई दारुलमान दुनिया। एक्चुअली उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है उसके हाथ में, और वो यहाँ होगी तो मैं और मैनाल अकेला फील नहीं करेंगे। क्या कर रही हो बेगम साहब? वो आज जुमेरात है ना? तो बेगम साहब, नौ चांदी जुमेरात है आज। तो क्या? हाँ बेगम साहब, वो अब नौ चांदी जुमेरात को ना घर में अगरबत्ती जलाते, उससे घर में बरकत होते है। और क्या? और बेगम साहब, मरे हुए की रूहों को आराम मिलता है। बेगम साहब, ये क्या किया? मेरे घर मेरी मर्जी के बगैर तुम अगरबत्तियां जला रही? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। अगर बत्तियां जलाने का तुम्हें इतना ही शौक है तो अपने घर में जाके जलाओ। मेरे घर में बिला वजह धुआं करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? निकलो यहां से। बेगम साहब, जाओ यहां से। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहां से। क्या हुआ नवीना? बेगम साहब, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं बेगम साहब, कुछ नहीं। ओ, हम आप ही को ढूंढ रहा था बेगम साहब। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो हमें दो घंटे की छुट्टी चाहिए बेगम साहब। क्यों? मेरा मतलब खैरियत है, अचानक छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? आज नौ चंदी की जुमेरात है ना बेगम साहब। तो हमें वो खेमाड़ी वाले बाबा के मजार पे जाना है बेगम साहब। अच्छा ठीक है, चले जाओ। बल्कि रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे ला देती हूँ, जरूरत पड़ेगी। आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो। अब्बा क्या घर में कुछ परेशानी है? परेशानी? अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई भी नहीं है जो काबिले जिक्र हो।
नहीं मेरा मतलब है कि पैसों की तो कोई तंगी नहीं है ना? नहीं बेटा, मगर ये तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? असल में अब्बा, मैंने अपना और अम्मी का एक जॉइंट अकाउंट खोला था, उसमें कुछ पैसे जमा करके रखे थे आलिया की शादी के लिए। तो अभी बैंक से एक मैसेज आया है मेरे पास, उस अकाउंट से 50,000 रुपए निकले। 50,000? और वो बेटा, वो पैसे तुमने नहीं निकलवाए? अरे नहीं अब्बा, मैं उन पैसों को खर्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो आलिया के पैसे हैं ना। और बेटा, उस अकाउंट का एटीएम कार्ड किसके पास है? अम्मी के पास। बेटा तुम्हारी माँ इस वक्त बाहर गई हुई है, वो वापस आ जाए तो उनसे पूछता हूँ। अरे नहीं नहीं अब्बा, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बस ये फिक्र हो रही है कि अगर पैसों की जरूरत थी तो बताया जा सकता था, या अगर आप लोगों ने नहीं निकाले तो मैं बैंक जाके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारी माँ से पूछ लूँ। जी ठीक है। वैसे अब्बा, अम्मी ने अपनी किसी परेशानी के बारे में आपसे बात तो नहीं की? हो सकता है कि उनको अपने किसी काम के लिए पैसे चाहिए। तो बेटा पता नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ मुझे और आलिया को तो अछूत समझने लगी। उनसे बात करने के लिए उनके कमरे में जाओ तो उंगलियों में बैठ के तस्बीह करने लगती। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब्बा, सब ठीक है, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिएगा। अरे बेटा, गुस्से वाली बात तो है ना, गुस्सा तो आएगा। तुम्हें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, अब बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा किए हैं उसमें से पैसे निकाल निकाल के खर्च किए जा रही हैं। खैर मुझसे पूछ के बताता हूँ। ठीक है, ओके। मेहरबान, क्या करती फिर रही हो? क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? तुमने बैंक से वो 50,000 रुपए क्यों निकाले? कौन सा बैंक, कौन से 50,000? खुदा का खौफ करो मेहरबानो, सारा दिन नमाज और तस्बीहां करती हो, इतनी सी रकम के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। जरूरत थी मुझे उन पैसों की? जरूरत थी? वो पैसे अमानत थे तुम्हारे पास, अमान ने रखवाए थे आलिया की शादी के लिए। चीख क्यों रहे हैं आप? क्योंकि अमानत में खयानत की है तुमने। अब्बा, अम्मी, आप लोग मेरी वजह से लड़ रहे हैं? मैं बता दूं, तुम्हारी माँ के नया कारनामा। बस कर दे, खबरदार मिर्जा साहब, पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया आपने, अब इसको खिलाफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फिर खुद बता दो उसे कि तुमने क्या किया, क्यों निकाले पैसे। अरे भाई, एक सहेली ने कर्ज मांगा है, कुछ महीनों में वापस दे देगी। कौन सा कर्ज, कौन सी सहेली, या अचानक कौन सी सहेली पैदा हो गई है जो औलाद से ज्यादा अजीज है तुम्हें? मुझे जितना बताना था बता दिया, इससे ज्यादा बताना जरूरी नहीं समझती। ये सब क्या हो रहा है अब्बा, क्या हो गया है अम्मी को? जगह यहाँ पे, अरे आपको नहीं पता, ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा का आस्थान है, लोग यहाँ तावीज करवाने, दुआएं लेने आते हैं। तावीज? बाबा जी, 50,000। बाबा जी,
पैसे मेरे बेटे अमान ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे हुए थे। पता नहीं क्यों जब मैं ये पैसे निकाल रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अमानत में खयानत कर रही हूँ। उठाइए अपने पैसों का वापस, चली जाए यहाँ से। एक वक्त में एक मुसीबत बयान करते हैं। मुझे बेटा भी चाहिए, शौहर से भी डरती है और बेटी का भी रोना रोती है। जाओ उठा ऐसे और यहाँ से चली जा, उठा पैसा। नहीं बाबा जी, चली जा। बाबा जी नहीं, मुझे माफ कर दे बाबा जी, मेरी तुम्हें कुछ माफ कर दे बाबा जी, माफ कर दे, माफ कर दे। ऐसे मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, बकवास निकल गया, मुझे माफ कर दे बाबा जी। ये पैसे रख लें, मेरा आखिरी सहारा बाबा आप ही हैं। आप जी पैसे रख ले, मुझे मेरा बेटा वापस ला दे। सब ठीक हो जाएगा। रावर वो एक नंबर का फितना है। पहले उसने बच्ची से हमें थप्पड़ लगवाया, फिर बेगम साहब बन के हमारे सामने आ गया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेगा, हम कैसे काबू करेगा उसे। उसको काबू करना हमारे बस का काम नहीं है दिलावर। करना पड़ेगा, उसे काबू करना पड़ेगा। उसने मुझे लंगड़ा बनाकर इस कब्रिस्तान में बिठा दिया है। बस एक दफा मैं उसे काबू करके जंजीरों में जकड़ लूं, फिर जो मैं कहूंगा वो करेगी। दिलावर, हमें लगता है उसने बच्ची से दोस्ती गाड़ लिया है। वो बच्ची हवा में देख के बातें करता है, हवा में देख के हंसता है। हम बता रहे हैं, उस बच्ची को नजर आता है। क्या सोच रहा है दिलावर, हमें बताना, हम क्या करेगा अब? बस तू उस बच्ची के पीछे लग जा, जहां वो बच्ची जाएगी वहां वो भी आएगी। जान से मार दूंगी, बच्चा छीनना चाहिए।
कराई 50,000 रुपए सर। पीछा कर रहे थे। भानो तुमसे सवाल करो तो तुम जवाब नहीं देती हो, जबरदस्ती जवाब मांगा जाए तो झूठ बोलती हो, तो और क्या करता मैं? आपसे सीखा है ये सब कुछ, मैंने आपसे सीखा है मेरे सासा। जब मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा था, आपने मुझे बताया तक नहीं, उसे रोका तक नहीं, झूठ बोलता रहना। वो सब कुछ मसलहतन किया था बानो। वाह मिर्जा साहब वाह, आपका झूठ मसलहत, मेरा झूठ गुना। कुछ तो इंसाफ करें ताकि अपना सामना कर सके। हेलो। हाँ बेटा, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। अच्छा जी, बताएं क्या कहा अम्मी ने फिर? वो बेटा पैसे उन्होंने निकाले, तुम परेशान मत हो। ठीक है अब्बा, लेकिन अम्मी को अचानक 50,000 की जरूरत क्यों पड़ी? होगा कोई काम बेटा। हाँ ठीक है, मगर वैसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उसे। हेलो, आवाज कट रही है बेटा तुम्हारी। हेलो 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 अब्बा, क्या हाल है सुंबल? क्या हुआ? क्या हुआ मिनाल को? अरे बोलो तो सही कुछ। गुड़िया मिनाल को कुछ हो गया है। क्या हो गया? पता नहीं, आपको पता है वो आज किसी के साथ बॉल से खेल रही थी। किसके साथ? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं देखने गई कि वो किसके साथ खेल रही है तो पता है वहां कौन था? कौन था? कोई भी नहीं था, मिनाल अकेली खेल रही थी। सुमन मेरा ख्याल है तुम बहुत थक गई हो, प्लीज रेस्ट करो। नहीं अमान, ऐसा कुछ नहीं है। आज किचन में से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की दीवारों में कोई है जो दीवारें तोड़ के बाहर आना चाह रहा। मैं किचन में खाना बना रही थी, इतना शोर हुआ, इतनी आवाजें आई और फिर सब कैबिनेट खुद ब खुद खुल गए। और क्या? आप मेरी बात को यकीन नहीं कर रहे ना? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं समझ रहा, बोलो। अमान, इस घर में से मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। वो बच्चा रो रहा होता है, वो मुझे अपने पास बुलाता है,
मैं उसको ढूंढती रहती हूँ अमान। प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाए। हीरा, बात सुनो मेरी। जी साधु। तुम कल घर से बाहर क्यों गई थी? बेगम साहब से छुट्टी लेकर गया था। हाँ ठीक है, लेकिन देखो इस तरह से तुम बगैर बताए जा नहीं सकती, खास तौर पे शाम को या रात को तो बिल्कुल नहीं। जी साहब। साहब जी, वो बेगम साहब को हुआ क्या? जी डिप्रेशन है। कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगी। वैसे वो हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता भी रहता है ना, और हमें बोलता है कि बच्चे की आवाजें आते। हमें भी पूछा कि बच्चे के रोने की आवाज आ रही कि नहीं। हमने जब बोला कि नहीं तो क्या? तो हम पे चीखता है, बहुत गुस्सा करता है। ऐसा कितनी दफा हुआ? कोई 2-3 बार तो हुआ, पर हम फिर भी बेगम साहबा का बहुत ख्याल रखता है साहब जी, और मुनिया का भी। मुनिया तो बिल्कुल हमें अपना मुनिया जैसा लगता है। ठीक है, काम करो। से जाना है, जब तक मैं नहीं आऊं यहां से मत हिलना प्लीज। ठीक है,
किससे मिलना है? मैं रहीम मिर्जा, अमान का वालिद। सुबल बीबी हैं घर पे? अंदर आ जाओ, आम बेगम साहब को बुलाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ चलो बेटा। मैं और अमान आप लोगों को दावत देने के लिए आने ही वाले थे घर। हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ज़रूरी बात कहिए। बेटा मुझे मालूम है कि तुम बहुत समझदार हो, मुझे बहुत भरोसा है तुम, बहुत दरगुजर करने वाली बच्ची हो तुम, इसीलिए अमान की गैर मौजूदगी में 6 बरस तुमने अपनी आंटी के साथ गुजार दिए। अंकल मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आप भी ये सब बातें मत करें। बेटा एक वादा करो मुझसे कि जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो तुम कभी अमान को नहीं बताओगी। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि अमान मुझे कितनी मुश्किलों से मिले, बहुत भरोसा करते हैं वो मुझ पर। आपकी बात सुने बगैर इस भरोसे को दांव पे लगाने का वादा नहीं कर सकती मैं। बेटा तुम्हारी सास तुमसे नफरत में पागल हो चुकी है, उन्हें यकीन है कि अमान ने तुम्हारी वजह से उन्हें छोड़ा है, इसलिए वो बाबाओं के पास जाना शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, मगर एक बात मेरी समझ में आ गई है बेटा, कि वो तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या हुआ तुम्हें? सलाम बेगम साहब, वो रात को दरवाजे में आ गया था हाथ। दोनों हाथों की उंगलियां एक साथ दरवाजे में आ गई? अब जाने देना बेगम साहब, वो हम तो मजदूर लोग हैं, ऐसा छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर कुछ नहीं होता तो ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? और घर के काम कौन करेगा? हम करेगा ना, अब सफाई झाड़ू पोछा सब टाइम से करेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि आज नाश्ते में पराठे बना लो। पराठा बेगम साहब? क्यों, अगर सारे काम कर सकती हो तो पराठे नहीं बना सकती? नहीं, आपके लिए तो हम कुछ भी करेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसा करो कि चाय बना लो, ब्रेड और जैम से ही काम चला लेंगे। जी, एक बात बोले। बोलो। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और तुम मेरी खुशी को नजर लगा रही हो? हाँ मैया, तबा तबा, नहीं 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 बेगम साहब, ऐसे कभी नहीं करेगा हम। तो फिर माशाल्लाह क्यों नहीं बोला? हम बोलने वाला था, माशाल्लाह माशाल्लाह हम बोलने वाला था। अब ठीक है। हम ना अल्लाह मियां से हमेशा दुआ करता है कि आपको, शॉपजी को, मुनिया को खुश रखे, साथ में रखे। थैंक यू नगीना।
इधर आ, जल्दी आ। हमें बता, ये कौन था? अपनी अम्मा थी या वो डायन थी? कौन थी बता? कौन था? कुछ नहीं बोलेगी, पता नहीं कौन था। तू भाग यहाँ से, जा। आपसे कहा है मैं नहीं आ सकूंगा आज, प्लीज आपको ये काम मेरे बगैर दो दिन के लिए मैनेज करना होगा। जी जी ठीक है, प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ है भी और नहीं भी। अगर आपको किसी जरूरी काम से जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। देखो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत ओपन माइंडेड होकर समझना। ओके। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था साइकाइट्रिस्ट के बारे में, और मैं से बेस्ट डॉक्टर भी हूँ। साइकाइट्रिस्ट क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों? मुझे क्या हुआ? और अमाना आपने डॉक्टर नहीं साइकाइट्रिस्ट कहा है। नहीं, मैं कहने का मतलब साइकाइट्रिस्ट ही था। क्यों? सुनो, हमारे बच्चे की मौत के बाद हम दोनों ही ट्रॉमा से गुजरे हैं। हम दोनों के अंदर बहुत टूट फूट हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ, माँ होने के नाते जाहिर है तुमने ज़्यादा फील किया है, और इस तरह की सिचुएशन के बाद इंसान ज़िंदगी से दूर हो ही जाता है। तो अमान, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। मैं किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी। देखो सुमुल, मैं ये बात समझता हूँ कि हम यहाँ पर साइकाट्रिस्ट के पास जाने को नॉर्मल नहीं समझा जाता, लेकिन जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ आई थिंक हर दूसरा आदमी साइकाट्रिस्ट के पास जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ साइकाट्रिस्ट के पास जाने को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझा जाता। इनफैक्ट यहाँ जो साइकाट्रिस्ट के पास जाता है उसे हमेशा पागल ही समझा जाता है। अमान, अमान, यू नो दिस, प्लीज। कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। जाओ यहां से, जाओ। Thank you.
ना, इस गुड़िया को भी लेके जाओ यहां से, जहर लगती है ये मुझे। सलाम साहब जी, अब ना बस वो ऐसी थोड़ा सफाई कर रहा था, पता वत्ता बहुत हो गया था ना, तो हमने बोला कि बस थोड़ा आप। तुम्हारी बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उनका जरा ख्याल रखना। जी साहब जी। और मिनाल को वक्त पे खाना भी देना। आप फिक्र नहीं करो साहब जी, आम कर लेगा। वालेकुम सलाम अमान। अमान तुम मेरे घर आ सकते हो बेटा? सब खैरियत है? हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बा, मुझे एक जरूरी काम है, फिर मैं शाम तक आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा, हो सके तो शाम से पहले आ जाना बेटा। खुदा हाफिज़। अमान, अमान एक मिनट रुके, अमान, अमान वेट। क्या हो गया संभल? आपको कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बताओ। आप मुझे पागल समझते हैं ना? आपको लगता है कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है ना? हमारे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सबूत है, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है। अमान आराम से बताओ क्या दिखाना चाहते हो? ये चादर खोल के देखें, यहाँ इसमें किसी के हाथ का निशान है, खून का निशान। मैंने खुद अभी देखा है, यहाँ पे था। तो अब कहाँ गया? यहीं पे तो था। नगीना इधर आओ। आगे भी दिखा दो।